नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी अस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज से एक मैं नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके अंदर जो हमारे ग्रह हैं, जितने भी हमारे ग्रह हैं, उनके क्या कारकत्व हैं, क्या क्वालिटी हैं, क्या उनके वैदिक मंत्र हैं, क्या उनसे प्रोफेशन देखते हैं और क्या उनके कारक हैं, ये सब चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग सूर्य के बारे में बात करेंगे कि सूर्य क्या है, सूर्य की क्वालिटी क्या है, सूर्य के लिए वैदिक मंत्र क्या है, अगर सूर्य किसी कुंडली में खराब हो, अच्छा ना हो, परेशान करने वाला हो, तो उसके लिए कौन सा मंत्र है जो वैदिक मंत्र है, जो कि यजुर्वेद में लिखित है। यहाँ पे जो मंत्र दिए गए हैं, जितने भी ग्रहों के मंत्र दिए गए हैं, वो सारे यजुर्वेद से लेके दिए गए हैं। तो वो मंत्र है, कौन सी चीजें हैं जो दान करनी चाहिए, कौन सी चीजों को कारक होता है, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसको शुरू करते हैं। सूर्य, आप जानते हैं कि चराचर जगत में सूर्य से ही उत्पन्न होता है। जितना भी हमारा जगत है वो सारा सूर्य से उत्पन्न है। सूर्य ही आरोग्यता का कारक है, सूर्य ही प्राण है हमारे, और वेदों में सूर्य को ही इंद्र कहा गया। आप अगर वेद देखें, वेद पढ़े, तो वेदों में वर्णन जो है वो यही है कि सूर्य को ही विष्णु कहा गया है। वेदों में कहा गया है कि सूर्य ही विष्णु है और सूर्य ही इंद्र है, सूर्य को ही इंद्र भी कहा गया। क्वालिटी जो होती है इनकी, बहुत ही राजनीतिज्ञ होते हैं, क्योंकि राजा का दर्जा प्राप्त होता है सूर्य को ग्रहों में। रॉयल होते हैं, बहुत ही भव्य होते हैं, अरिस्टोक्रेटिक, अरिस्टोक्रेटिक मीन्स गॉर्जियस प्लैनेट, बड़े भव्य प्लैनेट होते हैं जिनकी शोभा देखते ही बनती है। ये नेचुरल आत्मकारक प्लैनेट होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं। इस सोर्स ऑफ लाइफ, जीवनदायिनी प्लैनेट होते हैं, सबको जीवन देने वाले ये प्लैनेट होते हैं। हीट एंड एनर्जी के भी सोर्स ये होते हैं। जो भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो भी हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, वो भी हमें सूर्य से ही प्राप्त होती है। इनका वैदिक मंत्र दिया हुआ है यजुर्वेद में। ये मंत्र हमें जब करना चाहिए जब सूर्य हमारी कुंडली में अच्छा ना हो या सूर्य से वजह से परेशानी हो, तब इस मंत्र को करें तो बहुत फायदा होगा। ओम असक्तेन रजसा वर्तमानो निवेश्य नम्रतम तिवजय हिरण्येन सविता रथेना देवी यति भुवना विपश्यत। ये मंत्र बहुत अच्छा मंत्र है। यजुर्वेद के मंत्र जो होते हैं बिल्कुल सटीक मंत्र होते हैं, जो हमारे वेदों में डिस्क्राइब्ड हैं, उन मंत्रों को करना चाहिए तो उनसे सर्टेनली फायदा होता है। अगर सूर्य कुंडली में अच्छा ना हो, सूर्य को आपको और मजबूत करना हो कुंडली के अंदर, तो वहां उस केस में आप गेहूं का दान दे सकते हैं, कॉपर का दान दे सकते हैं जो तांबा होता है, पनरूबी है, गुड़ का दान दे सकते हैं, रेड क्लोथ्स हैं, फ्लावर्स हैं, संदल है, या लकड़ी का दान दे सकते हैं, या सैफ्रॉन केसर जो होता है, लाल रंग से संबंधित चीजों का दान आप इसके अंदर दे सकते हैं। अगर सूर्य आपकी कुंडली में बिगड़ा हुआ है और सूर्य को आपको मजबूत करना है अपनी कुंडली में, क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास का कारक भी होता है। सूर्य मजबूत होगा तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। सूर्य से क्या प्रोफेशन देखते हैं? देखिए, सूर्य से प्रोफेशन बहुत सारे देखे जाते हैं। जितने भी ऊनी चीजें होती हैं, वुल्स बोलते हैं जिनको, उनके डीलर जो होते हैं वो बहुत अच्छा काम सूर्य वाले, सूर्य से देखा जाता है वो वाला काम भी, कि ऊन की थोक का काम करना ऊन का, वो सूर्य से देखा जाता है। कमीशन एजेंट सूर्य से होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर भी सूर्य से देखे जाते हैं, जो फॉरेस्ट में काम करने वाले लोग हैं, फॉरेस्ट का जो प्रोफेशन है, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है गवर्नमेंट में, वो प्रोफेशन भी सूर्य से ही देखा जाता है। फिजिक्स, इंश्योरेंस, ऑक्चुरी मतलब ये होता है कि जो हमारी स्टैटिस्टिकल डेटा या हमारे डेटा को एनालाइज करते हैं और हमारी कॉस्टिंग करके बताते हैं कि हमारी कॉस्टिंग कितनी जा रही है कंपनी के अंदर, या हमारी जो कोई पॉलिसी या कोई स्कीम हम लोग लेकर आ रहे हैं वो स्कीम हमारी फिजिबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने से कंपनी को नुकसान हो रहा है या क्या हो रहा है, तो वो सब चीजें चेक की जाती हैं। तो वो काम ऑक्चुरी का होता है, तो वो वर्क भी सूर्य से देखा जाता है। मैथमेटिशियन का काम सूर्य से देखा जाता है, पॉलिटिकल लीडर का काम, राजनीतिक काम सूर्य से देखा जाता है। बिल्कुल सही बात है, सूर्य तो राजनीति कारक है। एस्ट्रोनॉमी का कारक कारण भी सूर्य से दिखा जाता है। जो लोग एस्ट्रोनॉमी में विश्वास करते हैं या एस्ट्रोनॉमी साइंस होते हैं, वो लोग भी सूर्य का ही प्रोफेशन माना जाता है उसको भी। तो सूर्य का प्रोफेशन किसी का हो तो वो एस्ट्रोनॉमी को भी चुन सकता है, उसमें उसको बहुत सफलता मिलेगी अगर सूर्य उसका आजीविका निर्णय में आ जाए। आजीविका निर्णय में सूर्य कैसे आता है या सूर्य कैसे सिलेक्ट होता है, वो अलग से लेक्चर बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि प्रोफेशन के लिए कौन सा हमारा ग्रह होना चाहिए। आयुर्वेद मेडिसिन का कारक है सूर्य, क्योंकि जितनी भी मेडिसिन हैं
वो सूर्य के प्रभाव में उनपती है, सूर्य की रोशनी से, सूर्य की धूप से हमारी मेडिसिन होती है। और जितने गवर्नमेंट पोस्ट हैं, जज है, मजिस्ट्रेट है, रूलर्स है, फाइनेंसर है या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स है, वो सारे सूर्य से देखे जाते हैं। इसके अलावा सूर्य से कुछ बीमारियां भी देखी जाती हैं। कुछ बीमारियां हों तो हम कह सकते हैं कि ये सूर्य खराब होने की वजह से है या सूर्य पीड़ित होने की वजह से है। हार्ट की बीमारी सूर्य पीड़ित होने की वजह से होती है, ब्रेन की, सर की बीमारी, राइट आई की, दाई आंख की बीमारी, हड्डियों की बीमारी, क्योंकि सूर्य हड्डियों का कारक है, हड्डियों की बीमारी भी इसकी वजह से होती है, पेट की बीमारी भी इससे होती है, क्योंकि कालपुरुषी कुंडली में ये पांचवें घर का स्वामी होता है और कालपुरुषी कुंडली में पांचवें घर से हम लोग पेट को देखा करते हैं। वीक आईसाइट भी हम लोग सूर्य से ही देखा करते हैं। हेडेक, सरदर्द भी सूर्य से देखते हैं। जितनी भी हड्डियों की वीकनेस है, बोन वीकनेस है, वो भी हम सूर्य से देखते हैं। बार्डनेस, गंजापन, वो भी हमें सूर्य से देखा जाता है। और फल दीपिका में तो ये भी कहा गया है कि सूर्य अगर पहले भाव में हो तो ऐसे इंसान के बाल कम होते हैं। हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन, भूख कम लगना, ये सब चीजें, मतलब इस तरह की चीजें, माइग्रेन हो रहा है, सर में बहुत दर्द है, तो इस तरह की सारी चीजें जो है वो सूर्य के द्वारा ही देखी जाती है। फिर सूर्य बहुत सी चीजों का कारक होता है। कारक, सूर्य कारक का मतलब है सूर्य इन चीजों को सिग्निफाई करता है। और जब अभी हम इनकी बात करेंगे तो सूर्य को जरूर देखेंगे दाता ग्रह के रूप में और चर कारक के रूप में सूर्य को जरूर देखेंगे। जब भी हम पिता की बात करेंगे तो हम कारक के रूप में सूर्य को जरूर चेक करेंगे कुंडली के अंदर कि सूर्य हमारा ठीक है या नहीं, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य अनुशासन का कारक है। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा या हम अनुशासित हैं या नहीं तो अपने सूर्य को चेक करेंगे। अगर सूर्य मजबूत है तो हम कह सकते हैं कि हम डिसिप्लिन्ड हैं, अनुशासित हैं। सूर्य मंदिर और किलों का कारक भी होता है। सूर्य आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मबल जो होता है उसका कारक है। गवर्नमेंट का कारक सूर्य है। सरकारी नौकरी का कारक सूर्य होता है। जो आपके पद एवं प्रतिष्ठा होती है, जो आपका नाम होता है, आपका डेजिग्नेशन होता है, आपकी नेम एंड फेम होती है, उसका कारक भी सूर्य ही कहलाता है। सूर्य मजबूत होगा तो आपका पद अच्छा होगा, आपकी प्रतिष्ठा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कोई भी कंपनी के अंदर जहां आप सर्विस करते हैं वहां अच्छी होगी। सूर्य हड्डियों का कारक, अगर सूर्य मजबूत है तो इंसान की बोन्स, इंसान की हड्डियां मजबूत होती हैं। आंखों का कारक है, आंख, उनकी रोशनी अच्छी रहती है, आंखें मजबूत होती हैं। सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है, ये हम सब जानते ही हैं। सूर्य राज्य कारक भी है। आंख का कारक तो मैंने बता ही दिया आपको कि आंख का कारक है। उत्साह का कारक है, एक्साइटमेंट का कारक है सूर्य। जंगल घूमना अभी सूर्य का कारक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जंगल घूमने वाला काम ज्यादा करते हैं, जैसे फॉरेस्ट वाला काम मैंने बताया आपको, तो वो सारा काम भी सूर्य से ही है। क्योंकि सूर्य जो राशि है वो सिंह राशि है और सिंह जंगल में विचरण करने वाली राशि होती है, चतुष्पाद राशि होती है, तो इसलिए जंगल वाले काम भी सूर्य को दिए जाते हैं। व्यवहार है, या जो लोग डरपोक लोगों की संतानें होती हैं उन लोगों को भी सूर्य के ही देखा जाता है कि सूर्य कमजोर तो नहीं है। किसी का सूर्य कमजोर है तो उनकी संतानें डरपोक होती है या वो खुद डरपोक हो जाते हैं। अच्छा बल, अग्नि का कारक भी सूर्य है। शिव पूजा, भगवान शिव की पूजा कारक सूर्य है। अगर सूर्य को आपको अच्छा करना हो तो भगवान शिव की पूजा आप कीजिए। आत्म साक्षात्कार का कारक सूर्य है। संतान का कारक भी सूर्य है। संतान का कारक सूर्य क्यों है? क्योंकि संतान सूर्य कालपुरुषी कुंडली में, यानी मेष लग्नि कुंडली में पांचवें घर का स्वामी बनता है और पांचवें घर से हम लोग संतान देखते हैं। तो गुरु के साथ साथ सूर्य भी संतान का कारक है। यानी संतान सूर्य की दशा हो, चाहे वो पांचवा भाव एक्टिव हो या ना हो, तब भी संतान पैदा हो सकती है सूर्य में और गुरु में, क्योंकि दोनों ये संतान के कारक हैं। ये संतान पैदा कर सकते हैं चाहे उसके लिए पांचवा भाव एक्टिव हो या ना हो। सूर्य राजा का कारक है। आदमी जो, जैसे कहते हैं कि अगर सूर्य अच्छा है तो वो रॉयल टाइप का आदमी होता है बहुत, और सूर्य अगर कमजोर होता है बहुत ज्यादा तो आदमी थोड़ा गिरावा सा आदमी हो जाता है, बहुत ढीला आदमी हो जाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य आपकी कुंडली में कैसा है, और सूर्य को मजबूत करने के लिए वो हमने इसमें बताया ही है। और ये कहा भी है इसके अंदर कि जब सूर्य बली हो तो आदमी के अंदर ओजस्विता आती है, साहस आता है, शक्ति आती है, अधिकार आता है, आत्मविश्वास आता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है, पिता से लाभ होता है, उसका हृदय बहुत अच्छा मजबूत होता है, प्रतिष्ठा उसकी होती है बहुत ज्यादा, फेमस हो जाता है वो, इच्छा शक्ति उसकी बहुत अच्छी रहती है, कॉन्फिडेंस पावर, उसको अपनी राज्य से सहयोग मिलता है, अपनी कंपनी में उसको प्रमोशन मिलता है, अपनी कंपनी से उसको बहुत सहयोग मिलता है,
उसकी दृष्टि अच्छी रहती है अगर सूर्य बलि। इसके विपरीत अगर सूर्य बहुत पीड़ित हो कुंडली के अंदर, तो ऐसा आदमी अहंकारी हो जाता है, अति महत्वाकांक्षी हो जाता है, घमंडी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, लोगों का विरोध करता है, कमजोर दृष्टि वाला होता है, हृदय संबंधी रोग वाला होता है, उसकी हड्डियां कमजोर होती हैं, रक्त संचार में थोड़ी कमी होती है, रक्त संचार की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की चीजें उसकी कुंडली में दिखाई देनी आपको स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब भी ये चीजें महसूस हों आपको कि भाई बंदा बहुत तेजस्वी है, कि बहुत साहसी है, तो आप कह सकते हैं कि इसका सूर्य बहुत मजबूत होगा। इसका आत्मविश्वास बहुत स्ट्रांग है, तो आप कह सकते हैं कि सूर्य बहुत मजबूत होगा। इसके विपरीत कोई कहता है कि ये बंदा बहुत चिड़चिड़ा रहता है, या बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस है, या बहुत ज्यादा घमंडी टाइप का आदमी है, तो सूर्य उसका कमजोर होगा, सूर्य जरूर पीड़ित होगा। तो ये बातें सारी सूर्य से देखने वाली, तो सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों का ध्यान रखिए, ध्यान रखेंगे तो आप कुंडली देखते हुए परीक्षण करते हुए, क्योंकि ये कहा गया है कि कुंडली परीक्षण करते हुए सूर्य चंद्र और लग्न तीन चीजों को देखें, तो उससे ही काफी कुछ इंसान के बारे में मालूम चल जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आया होगा, सूर्य के कारक वगैरह सारे। इसके अलावा हम लोग एस्ट्रोलॉजी क्लासेस भी करते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हों वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अगर पसंद आया हो तो काइंडली लाइक कीजिए। थैंक यू।